मुरादाबाद जनपद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र में दो दिन पहले रामपुर के व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चावल व्यापारी के मुताबिक जबलपुर की एक युवती के प्रेम प्रसंग में उसने दुकान में रखी नकदी चोरी की और घर वालों से बचने के लिए लूट का नाटक रचा। पुलिस ने सर्वेलांस और सीसीटीवी कैमरे की मदद से पूरे मामले का महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। रामपुर के व्यापारी शोएब के साथ दो दिन पहले नशा सुंघाकर 3 लाख की लूट को अंजाम दिया गया था। व्यापारी की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी थी तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। दरअसल शोएब के एक युवती से प्रेम प्रसंग शगल रहा था और उससे मिलने और गिफ्ट देने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। पैसों के लिए शुएब ने दुकान से नकदी चुराई और फिर लूट का फर्जी नाटक रच दिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक व्यापारी शुएब का जबलपुर में रहने वाली एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शुएब ने युवती को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया था जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। पैसों का इंतजाम करने के लिए शुएब ने दुकान में रखे 1,26,000 रुपए की चोरी की और परिवार के सवालों से बचने के लिए लूट का झूठा नाटक रचा। पुलिस ने शुएब की निगरानी शुरू की तो घटना के दूसरे दिन उसके दिल्ली जाने और फिर वापस आने की पुष्टि हुई। पुलिस ने जब शुएब से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने फर्जी सूचना देने की बात कबूल कर ली और दुकान से चोरी की गई रकम भी बरामद करवाई। पुलिस ने शुएब को फर्जी सूचना देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया गया है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। ये 3 तारीख को रामपुर टांडा के रहने वाले चावल व्यापारी हैं जिनकी दुकान कटरा में है। उन्होंने एक उनके साथ जो आपराधिक घटना की एक शिकायत लिखाई थी कि उनको किसी ने सुंघाकर उन्हें बेहोश कर दिया और उनके पास जो 3 लाख रुपए थे वो लेके आदमी फरार हो गए ऑटो रिक्शा से, जिसमें 2 व्यक्ति उनके साथ बैठे हुए थे। इसमें आज उन्हीं की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा ये झूठी शिकायत की गई थी। इनसे पूछताछ में पता चला है कि उस दिन ये लगभग 2-2.5 बजे अपने दुकान से चले और उनके जो गल्ले में लगभग 1,30,000 रुपये थे उन्होंने वहीं पे अपने दुकान में ही चावल को कट्टों में छुपा दिए थे और फिर यहाँ पर मुगलपुरा ई रिक्शा से जामा मस्जिद तक आए। फिर यहाँ से उन्होंने एक ऑटो रिक्शा किया, ऑटो रिक्शा करके पुल पार करके एक होटल है वहीं पर ही उतर गए। कुछ देर वहाँ पर जाके झाड़ियों में लेटे रहे। इन्होंने सोचा कि कोई आदमी इनको देख लेगा, उसके बाद अपनी बात बताएंगे जो इन्होंने कहानी बताई थी। किसी ने इनको देखा नहीं। फिर ये खुद ही आधे घंटे बाद ऊपर चढ़ के आए। वहाँ पे जो आने जाने वाले व्यक्तियों थे उनसे बात करके उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है। अपने परिवार को फ़ोन किया, 112 को फ़ोन किया। उसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची, इनका मुकदमा पंजीकृत किया गया। फिर अगले दिन यानी कि 4 तारीख को इनकी गतिविधि संदिग्ध थी। ये अपने दुकान से जो इन्होंने 1,26,000 जो उन्होंने छुपा रखे थे अपने चावल के कट्टों के बीच में वो लेके वो चले गए। यहाँ बस स्टैंड पे गए और वहाँ से दिल्ली के लिए चले गए। वहाँ पर इन्होंने एक नया सिम और एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदा। फिर इनकी एक जो गर्लफ्रेंड है जबलपुर में रहती है उनसे मिलने जाना था, इन्हें उनसे बातचीत करी तो उसकी इनकी गर्लफ्रेंड ने उनको आने से मना कर दिया और फिर ये वापस यहाँ मुरादाबाद के लिए रवाना हुए जहाँ बीच में पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और ये पूरी घटना का खुलासा हुआ। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाने के लिए उन्होंने ये पूरी घटना कारित करी थी। इनसे और पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इनके परिवार में शादी की बात हो रही थी इसलिए भी इनके लिए एक ट्रिगर पॉइंट था ये सब कार्रवाई करने का और मे बी वहाँ पर जाके शादी की बात करते या आगे की वहाँ पर अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहने का इनका प्लान था। इनके पास से कुल 1,26,650 रुपये बरामद हुए हैं। जो इन्होंने 3 लाख अपनी तहरीर में लिखाए थे वो झूठे थे, इन्होंने स्वीकार किया है। कुल 1,30,000 रुपये लेके चले थे, उनमें से इन्होंने कुछ मोबाइल फ़ोन और अन्य चीज़ें खरीदी, वो थोड़ा खर्च हो गया। 1,26,650 रुपये बरामद हुए हैं। साथ ही इनका एक मोबाइल रियलमी फ़ोन भी बरामद हुआ है जिन्होंने उस समय अपनी झाड़ियों में वहाँ पर फेंक दिया था, जो इनकी ही निशानदेही पर बरामद हुआ है। साथ में जो एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदा है कीपैड वाला वो भी इनके पास से बरामद हुआ है। हाँ, इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो इन्होंने धोखाधड़ी करी अब वहाँ पैसों को लेके उसके जो धाराएं बनती है उनके अंतर्गत उन पर मुकदमा पंजीकृत कर इन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जा रहा है।
नहीं, इनसे पहले का कोई इनका आपराधिक इतिहास अभी जानकारी में नहीं आया है, पता करा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है।